आज हम एक अद्भुत ग्रंथ स्पंदकारी का उसको प्रारंभ कर रहे हैं। यस्य उन्मेष निवेशाभ्याम जगत प्रलोदयोत्तम शक्ति चक्र विभव प्रभव शंकरम स्तुमः। यह मंगलाचरण था जिसको भी हम देखेंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन में स्थायी शांति चाहते हैं, इस प्रकार की अवस्था चाहते हैं कि उनके जीवन में कभी भी अशांति ना आए, जो व्यक्ति स्थायी आनंद चाहते हैं, शाश्वत आनंद चाहते हैं, जो व्यक्ति उस तत्व को जानना चाहते हैं कि जिसको जानने के बाद, जिस तत्व को जानने के पश्चात कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, बाकी नहीं रहता, वो इसका अध्ययन कर सकते हैं या इसका अध्ययन पठन पाठन पढ़ना सुनने के लायक हैं, काबिल हैं, पात्र हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में सुख चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, भौतिक सुख चाहते हैं, वाहन गाड़ी घोड़े है ना, यात्रा पैसा समृद्धि जो चाहते हैं, वे सभी इसी के पात्र हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं, अपने क्षेत्र में शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, उन सभी का इस लेक्चर में, इस उद्बोधन में, चाहूं तो प्रवचन कह लो, उसमें स्वागत है। जो व्यक्ति कम से कम समय में आशातीत, आशा से अधिक जितना सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारा पूर्ण विश्वास है, पूरा विश्वास है कि ये जो 51 लेक्चर की सीरीज है, श्रृंखला है, उसका अनुभव करने के पश्चात, हम तो कहेंगे अनुभव करते करते ही वे उस स्थिति में पहुंच जाएंगे। भूमिका और प्रक्रिया के बारे में हम आपको बता दें कि जो पहले हमने जितनी भी बातें कही कि जीवन में जो सुख चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, स्थायी शांति चाहते हैं, भौतिक सुख चाहते हैं, उनको करना क्या है? उनको करना कुछ नहीं, अपने जीवन से या अपने जीवन में केवल 51 डेज का समय निकालना है। और वो समय भी ऐसा नहीं है कि पूरे 24 घंटे आप हमको देंगे, प्रतिदिन 1 घंटे का समय 51 दिन तक सफिशियंट है, पर्याप्त है। और एक श्लोक या एक कहो कि एक टिप्स या एक टिप हम आपको देंगे प्रतिदिन, उसका आपको अध्ययन करना है, मनन करना है, चिंतन करना है, अर्थात हम पूरी प्रक्रिया और पूरा प्रयोग आपको करवाएंगे प्रतिदिन, और उसको बाकी बचे हुए समय में जो 1 घंटा हमने आपको समझाया, प्रक्रिया बताई, तो बाकी जो 23 घंटे आपके पास हैं, सोने वगैरह का सब समय ले लो उसमें, तो उसमें आपको उसी बात का अध्ययन या मनन या चिंतन करना है। आपको आगे प्रक्रिया पूरी स्पष्ट हो जाएगी। अब हम आते हैं अपने विषय की भूमिका पर कि हम करेंगे क्या। ये सब गुरु परंपरा से प्राप्त चीजें हैं, हमको आपके वास्तविक स्वरूप का बोध कराना है कि आप हो क्या। क्या आप ये हाड़ मांस का पुतला हो, क्या आप ये शरीर हो, क्या आप मन हो या बुद्धि हो या कुछ और हो। आपके जो वास्तविक स्वरूप का बोध जब हम कराएंगे कि आप हो क्या, तो उसको जानने के पश्चात सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और तब आपको यह पता चलेगा कि आप इस सारे संसार के मालिक हैं,
सम्राट हैं। और कैसे सम्राट हैं? चक्रवर्ती सम्राट। तो आपको बहुत बड़ा आश्चर्य होने वाला है कि अरे मैं फालतू ही अपने आप को बड़ा दीनहीन असहाय समझता था और वास्तव में तो मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं। इन सब बातों का बोध, इन सब बातों की पहचान केवल थ्योरी में नहीं, प्रायोगिक रूप से कि आप जैसा चाहोगे वैसा होगा और जिस तरीके से आप चाहोगे उस तरीके से होगा। तो ये सब आगे के अपने उद्बोधन में होने वाला है और इसके लिए आपको पूर्ण समर्पित भाव से 51 दिन तक प्रतिदिन एक घंटा इसका अभ्यास करना है और बाकी समय में भी इस अभ्यास को ध्यान रखना है। स्पष्ट है इतना? तो फिर हम आगे की प्रक्रिया में आप चलेंगे। अब पहले तीन शब्दों को हम समझेंगे। एक है सृष्टि, दूसरा है पालन और तीसरा शब्द है संहार। बड़े सरल शब्द हैं। सृष्टि मतलब पैदा करना, उत्पन्न करना। पालन मतलब उसका पालन करना जो पैदा हुआ है। और संहार कह लो, लय कह लो, प्रलय कह लो, उसका मतलब है कि पुनः विलीन करना। जहां से जैसे मान लो मिट्टी का एक खिलौना है, अब हमने उसका हाथी बनाया, हाथी, तो उस मिट्टी के लोथे का टुकड़े का हाथी बना तो हाथी उत्पन्न हो गया, प्रकट हो गया, सृष्टि हो गई हाथी की। और जितनी देर हमारी इच्छा थी उतनी देर वो हाथी रहा, वो हाथी हमने रहने दिया, खेलते रहे उससे। और जब हमारी इच्छा हुई हमने उस हाथी को वापस मिटा दिया, संहार कर दिया, उसका लय कर दिया और वो हाथी हाथी पुनः मिट्टी बन गया। फिर हमने मान लो घोड़ा बना दिया उसका, अब हमने घोड़े की सृष्टि की, घोड़ा उत्पन्न किया, पैदा किया मिट्टी का। और जितनी देर हमारी इच्छा थी हमने उस घोड़े के साथ खेला, पालन किया, उसके पश्चात उस घोड़े का हमने संहार किया, लय किया, प्रलय किया, कहां किया, मिट्टी में, पुनः मिट्टी बन गया। अब हमारी इच्छा हुई कि हम उस घोड़े, उस मिट्टी का मटका बना दें, घड़ा बना दें, गिलास बना दें। हमने उसको उत्पन्न किया, पैदा किया, उस गिलास को मिट्टी का बनाया और जितनी देर अपनी इच्छा थी उतनी देर उस गिलास से हम खेले, पालन किया। और जब हमें लगा कि नहीं अब कुछ नहीं बनाना हमने, तो गिलास जो था उसको वापस मिटा के मिट्टी बना दिया और अब कुछ देर हमारी इच्छा नहीं है किसी चीज से खेलने की, तो हमने वो मिट्टी पड़ी रहने दी। फिर जब हमारी इच्छा हुई तो हमने कुछ और बना दिया मिट्टी का, सृजन कर दिया, सृष्टि कर दी। तो यह एक क्रम है। इतना स्पष्ट है या कुछ शंका है? यदि कुछ शंका हो तो पूछ लो। चलो एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है ना उत्पन्न हुआ, तो उत्पन्न हुआ तो सृष्टि हुई, फिर जितने समय उसका जीवन रहा तो उसका पालन हुआ और जब वो मृत्यु को प्राप्त हुआ, वो देह शरीर, तो वो संहार हुआ। फिर उसका कहीं जन्म हुआ, फिर वो कुछ और बना, अभी रमेश था, फिर सुरेश बना, फिर उमा बना, फिर रमा बना, कुछ बना, कुछ बना, पशु बना, पक्षी बना। तो क्रम क्या चला?
उत्पत्ति, पालन और संहार। इतना स्पष्ट ना, तीन ही चीज हमको बताना है। उत्पत्ति से पहले भी व्यक्ति अव्यक्त था, मूल स्थिति को प्राप्त था, दिखता नहीं था। जब वो व्यक्त हुआ तो व्यक्ति कहलाया, इसलिए तो वो व्यक्ति कहलाता है क्योंकि वो व्यक्त होता है। तो व्यक्त हुआ तो दिखने लगा, दिखने लगा तो सृष्टि हुई, पालन हुआ, फिर संहार हुआ, फिर अव्यक्त हो गया। जैसे मान लो ये विद्युत है, प्रकाश है, तो जब हमने उस लाइट में, प्रकाश में, इलेक्ट्रिसिटी में कोई बल्ब लगाया और उसका हमने स्विच ऑन किया, है ना, तो बल्ब जल उठा, ये सृष्टि हो गई। जितनी देर हमें प्रकाश की आवश्यकता है वो इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत उस प्रकाश में, बल्ब में अभिव्यक्त हो रही है, तो बल्ब जो है वो उत्पन्न हुआ, प्रकाश उसका उत्पन्न हुआ। जितनी देर हमारी इच्छा है उतनी देर हमने प्रकाश को रखा, पालन हुआ, और जब हमारी इच्छा हुई हमने उसका स्विच ऑफ कर दिया, वो संहार हो गया, पुनः विलीन हो गया, पुनः इलेक्ट्रिसिटी अपने उसमें चली गई। जबकि वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होते समय भी थी, पालन में भी विद्युत रही और संहार में अपने मूल स्वरूप में चली गई। इतना स्पष्ट है। तो अब क्या बताते हैं कि जिस विषय में, मूल बात पे आ रहे हैं, ध्यान से समझेंगे कि जिस विषय में भी आप विचार करते हैं उस विषय से संबंधित जगत की सृष्टि हो जाती है या विचार आरंभ हो जाता है। जितनी देर आपकी इच्छा होती है आप उस विचार को पालते हो, और जब आपकी इच्छा समाप्त हुई, आपकी नई इच्छा है, तो आप विचार का लय कर देते हो, फिर आपकी इच्छा हो तो आप दूसरा विचार प्रारंभ कर देते हो। तो एक विचार की उत्पत्ति, पालन और संहार ये आप करते हो। कौन करता है? आप करते हो। जैसे मान लो उदाहरण के लिए कि पुत्र संबंधी विचार आपने प्रारंभ किया, आपका पुत्र है और आपने उसके बारे में सोचना, विचार करना प्रारंभ किया, तो पुत्र से संबंधित जगत की सृष्टि विचारों में हो गई। आपने सोचा मेरा पुत्र पढ़ता है, लिखता है, स्कूल जाता है, आता है, बोलता है, चलता है, खेलता है, कूदता है, क्या क्या व्यवहार करता है, वो सब आपने सोचना प्रारंभ कर दिया। जितनी देर आपकी इच्छा थी उतनी देर आपने पुत्र से संबंधित विचार का पालन किया। अभी केवल विचार बता रहे हैं कि मानसिक स्तर पे क्या चल रहा है। तो जितनी देर आपकी इच्छा थी आपने पुत्र संबंधी विचार किया, फिर उसके बाद उस विचार को समाप्त कर दिया, आपने कार का विचार आरंभ कर दिया। जितनी देर आपको कार के बारे में विचार करना था आपने विचार किया, फिर उसको भी समाप्त किया, फिर कोई तीसरा विचार प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार का एक चक्र चल रहा है। जैसे मान लो आपने मिठाई का विचार प्रारंभ किया, गुलाब जामुन का, तो गुलाब जामुन आपने कब खाया, कैसे खाया, कहाँ का गुलाब जामुन अच्छा है, कितने गुलाब जामुन खाए, किसके साथ खाए, कैसा स्वाद आया, कितने पैसे लगे, आदि आदि बातों का आप विचार करते रहे। करते 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 आपने उस विचार को बाद में समाप्त कर दिया, फिर कोई दूसरा विचार पे आप चले गए, तीसरे पे चले गए, चौथे पे चले गए। इस प्रकार से सृष्टि, पालन और संहार ये एक चक्र चल रहा है। आप एक विचार की उत्पत्ति करते हो, उसको पैदा करते हो, उस विचार के साथ खेलते हो, फिर उस विचार को समाप्त करके नया विचार आरंभ कर देते हो। तो ये चक्र चल रहा, एक विचार पैदा हुआ, थोड़ी देर आप खेले, जितनी देर आपकी इच्छा, फिर आपने उसको समाप्त किया, फिर दूसरा विचार पैदा हुआ, आपने किया, तीसरा विचार किया, चौथा किया, पांचवा किया, ये एक क्रम चल रहा है। विचार को पैदा करना, उत्पन्न करना, उसकी सृष्टि करना, उसका पालन करना, जितनी देर आपकी इच्छा उसके साथ खेलना, और फिर उसका संहार करना, उसको समाप्त कर देना, फिर कोई दूसरा विचार कर लेना। तो इस प्रकार का एक चक्र चल रहा है। तो इस सब विचारों के
पैदा करने वाला कौन? सोचो, पुत्र से संबंधित जब आपने विचार प्रारंभ किया तो उस विचार को पैदा किसने किया? आपने। उस विचार को पाला किसने? आपने। फिर उस विचार को समाप्त किसने किया? आपने। फिर नया विचार पैदा किया। इस प्रकार का ये जो शक्ति चक्र चल रहा है उसका स्वामी कौन हुआ? आप। थोड़ा क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? हमें यही बताना है। अभी सुनने में भले ही नया लगे, अभी समझने में भले ही ये लगे कि विचार तो अपने आप उठ गए, अपने आप चलते रहे, अपने आप समाप्त हो गए, फिर नया विचार आ गया, तो कुछ भी घबराने की बात नहीं। अभी पहले आप विषय को समझो। जैसे मान लो अब हम अभ्यास करते हैं, ठीक है? अब हम एक मिनट का अभ्यास करेंगे, दो मिनट का अभ्यास करेंगे। इतना स्पष्ट है? चलो ठीक से बैठ जाओ, आराम से आंखें बंद, आंख बंद कर लो, एकदम रिलैक्स बैठ जाओ। क्लियर है इतना? अब जब आप आराम से बैठ गए हैं, आपकी आंखें बंद हैं, अब आप क्या करेंगे? अब आप विचार करना प्रारंभ करने वाले हैं, है ना? तो अब आप पहाड़ का विचार करें, माउंटेन। अब आप पहाड़ का विचार प्रारंभ करें, सोचें सोचें पहाड़ के बारे में विचार करें। आंखें बंद, अब आप नदी का विचार करें, आंखें बंद, अब आप कार का विचार करें, अब आप पिता का विचार करें, पिताजी के बारे में सोचें, शांत बैठे विचार करें, पिताजी का विचार करें। अब रिलैक्स हो जाएं, चाहे तो आंखें खोल सकते हैं। तो आपने क्या क्या विचार किया? आपने पहाड़ का विचार किया, आपने नदी का किया, आपने कार का विचार किया और पिताजी का, ठीक है? तो पहाड़ के बारे में आपने क्या विचार किया बताओ? हाँ, आप बताएं, पहाड़ के बारे में क्या विचार किया, बोलो। ठीक ठीक, बहुत अच्छा। हाँ, फिर आपने नदी का विचार किया। हाँ, तो नदी का विचार बताओ क्या? हाँ, बोलो बोलो बोलो, नदी का विचार बोलो। ठीक, और क्या सोचा बताओ नदी के बारे में? ठीक,
फिर आपने कार का विचार किया, हाँ कार के बारे में बताओ, बताइए आप बताओ कार के बारे में बताओ, हाँ क्या सोचा आपने कार के बारे में, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ फिर आपने पिताजी का विचार किया, हाँ क्या सोचा पिताजी के बारे में, हाँ बताइए बताइए, बताओ बताओ। अच्छा अब ये बताओ कि ये जो पहाड़ का विचार है उसको किसने पैदा किया, नहीं पैदा किया ना, अच्छा फिर पहाड़ के विचार का पालन किसने किया, आपने किया, फिर पहाड़ के विचार को समाप्त किसने किया, आपने किया ना, फिर नदी का विचार भी आपने ही पैदा किया, उसका पालन आपने किया है? और उसका संहार भी आपने किया। अच्छा बताओ फिर कार का विचार किसने पैदा किया, आपने, और पालन किसने किया, कौन खेला उन विचारों से, आप, और संहार किसने किया, वो भी आपने। इसी प्रकार पिताजी के विचार को पैदा आपने किया, पालन आपने किया और संहार आपने किया। तो ये जितने विचार थे सबको पैदा आपने किया, उत्पत्ति सृष्टि, उन सब विचारों का पालन आपने किया और उन विचारों का संहार भी आपने किया। तो विचार जहां भी थे, जहां भी आपके मन में पहाड़ संबंधी जगत जो रहा अंदर, जहां भी था, उस विचार को आपने जब आरंभ किया तो वो जगत प्रकट हो गया, फिर आपने उसका पालन किया और बाद में संहार किया। तो इस प्रकार का ये जो शक्ति चक्र चल रहा है, विचारों का क्रम श्रृंखला जो चल रही है विचारों की, इसको पैदा करने वाले कौन हुए, आप, उसका पालन करने वाले कौन हुए, आप, उसका संहार करने वाले कौन हुए, आप। तो जो मंगलाचरण है इस ग्रंथ का वो भी है, सारी बातें आपके अनुभव की ही हैं। तो आज का जो मंत्र हम आपको देने वाले हैं, और अब हम आपको आज का अभ्यास बताने वाले हैं, जो आपको बाकी समय में आज जो अभ्यास करना है उसको भी बताने वाले हैं। तो आज का मंत्र ये है कि हमेशा दिन भर आपको क्या करना है, इस मंत्र का जप करना। क्या है मंत्र, कि जो भी विचार आपका चल रहा हो तो इस विचार को पैदा करने वाला, इसका पालन करने वाला और इसका संहार करने वाला मैं हूं, ये मंत्र है। क्या मंत्र है, कि विचार को पैदा करने वाला, पालन करने वाला और संहार करने वाला मैं हूं, ये मंत्र है। विचार आपका कुछ भी चले उससे हमारा संबंध नहीं है, विचार आपका शुभ है या अशुभ इससे अभी हमारा संबंध नहीं है, विचार आपका अच्छा है या बुरा इससे भी हमारा संबंध अभी नहीं है। विचार आपका जो चलता हो उसको आप चलने दो, और आपको क्या ध्यान रखना है विचार के समय, विचार के समय आपको केवल एक जागरूकता रखना है, सावधानी रखना है, सावधान रहना है, बिल्कुल अलर्ट रहना है। कैसे रहना है, कि जो भी विचार आपका चल रहा हो आपको ये ध्यान रखना है कि इस विचार को पैदा करने वाला, इस विचार का पालन करने वाला और इस विचार का संहार करने वाला मैं हूं, बस इतनी सी बात आपको हमेशा अराउंड द क्लॉक ध्यान में रखना है। यही आज का मंत्र है, यही आज का मंत्र है, यही आज का मंत्र है, यही आज का मंत्र है। इस विचार की उत्पत्ति करने वाला, पालने वाला और संहार करने वाला मैं हूं। यस्योन्मेष निवेशाभ्याम जगतः प्रलोदयो तम शक्ति चक्र विभव प्रभव शंकरं स्तुमः।